हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के इतिहास के बारे में, ठीक है? और भारत के इतिहास के इस लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे कि कौन कौन से जो चैप्टर्स है वो आगे आने वाले हैं, तो उसका एक ओवरव्यू जो है उसको हम आज तैयार करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे वन बाय वन जो हम चैप्टर है वो हम लेकर शुरू करेंगे, ठीक है? इस लेक्चर सीरीज में हमारा एक एम ये भी होने वाला है कि हम जितना भी चैप्टर करेंगे उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी सवाल आए हुए हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस में, जैसे हमारा यूपीएससी में या पीसीएस में आया हुआ है, या सीजीएल में, सीएचएसएल में, ये सब जितना भी एग्जाम में हिस्ट्री से रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इस लेक्चर सीरीज में हम विजुअल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इमेज और मैप्स का यूज़ करके हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे एक सिंक्रोनाइज वे में हम देखेंगे कि इतिहास कैसे कैसे आगे बढ़ता है, डेवलप होता है, ठीक है? तो ये हम जैसे बहुत सारे बुक्स में दिया है वैसा ही हम भी इसको चार भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि हम कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है? उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत, ठीक है? उसके बाद आता है आधुनिक भारत, और लास्ट में आता है स्वतंत्रता के बाद, यानी 1947 में जब भारत आजाद होता है उसके बाद का जो इतिहास है वो हमारा स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में शामिल होता है। अब देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ने वाले हम, देखिए प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। देखो पाषाण काल क्या होता है? पाषाण काल का मतलब है इतिहास का वह टाइम जब जो मनुष्य है वह भारत में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ही बात करने वाले इतिहास को, इसलिए हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ही सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। तो पाषाण काल का जो टाइम रहता है वह टाइम है हमारा 6 लाख BC से लेकर 6 लाख BC से लेकर 1000 BC तक, ठीक है? तो ये बहुत ही एक लंबा, एक कह सकते बहुत ही लंबा समय रहा है पाषाण काल का भारत के इतिहास में, ठीक है ना? भारत पाषाण काल के बाद हमें देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए जब पाषाण काल खत्म होता है तो धीरे धीरे नगरीय सभ्यता एक भारत में देखने को मिलती है, और उसका जो टाइम पीरियड है वह 2300 BC से लेकर 2300 BC से लेकर 1750 BC तक हमें देखने को मिलती है, ठीक है? तो ये है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितना भी बातें हो सकती है, इससे रिलेटेड जितने भी मैप्स का यूज करके और टेबल्स का यूज करके हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो एग्जाम में है क्वेश्चन वो अभी छूटे ना, ठीक है? तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा हमारा वैदिक काल। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जब खत्म होती है 1750 में, तो उसके बाद लगभग 200 सालों तक कोई सभ्यता भारत में देखने को नहीं मिलती है। लगभग 200 सालों के बाद यानी 1500 के आसपास एक ग्रामीण सभ्यता, मतलब जो गांव में रहने वाली सभ्यता है, उसको हम देखने को मिलती है भारत के इतिहास में, ठीक है? और उसी को कहा गया है वैदिक काल, ठीक है ना? तो वैदिक काल को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, है ना? जो पूर्व वैदिक काल था, सॉरी यहाँ पर महाजनपद काल उसके बाद देखेंगे, चलिए छोड़िए, वैदिक काल, है ना? तो वैदिक काल जो पहला वैदिक काल था वो था 1500 से लेकर 1000, पूर्व वैदिक काल, है ना? और उसके बाद हमें दूसरे पे देखेंगे उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 BC। तो अब ये सवाल आता है कि क्यों हम इसको दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे या पढ़ते हैं, ठीक है? बहुत सारे बुक्स में आपने देखा होगा कि दो भागों में डिवाइड कर किया जाता है। तो इसका जो मेन रीजन है वह है लोहे की खोज, ठीक है? तो जो पूर्व वैदिक काल था यानी 1500 से लेकर 1000 BC तक, इसमें लोहे का उपयोग नहीं होता, मतलब लोहे की खोज नहीं हुई थी। तो लोहे की खोज करने के बाद जब हम देखते हैं सभ्यता को तो थोड़ा सा चेंज दिखाई जाता है, इसी के लिए हम यहाँ पर उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं 1000 से लेकर 600 BC तक, ठीक है ना? उसके बाद आता है हमारा महाजनपद काल। महाजनपद काल में क्या होता है कि बहुत सारे भारत में महाजनपद देखने को मिलते हैं, ठीक है? पहले तो उत्तर वैदिक काल के बाद हमें जनपद देखने को मिलता था, तो जनपद के बाद धीरे धीरे जब दो जनपद आपस में मैच होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो एक बड़ा जनपद बनता है। और जनपद जनपद जब बहुत सारे जनपद मिल के एक बड़ा सा एरिया वो कवर करने लगता है तो हम कहते हैं महाजनपद, ठीक है? तो हम महाजनपदों के बारे में देखेंगे टेबल के बारे में, ठीक है? तो
महाजनपद काल, तो इसका जो समय पीरियड टाइम पीरियड आता है वो 600 BC। यहाँ से देखिए, ये उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ और उत्तर वैदिक काल के बाद आता है हमारा महाजनपद काल, जो कि 600 से लेकर 340 BC को हमने डिवाइड किया। मतलब इसी टाइम पीरियड में हम महाजनपद काल को देखेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए इसके बाद आता है हमारा धार्मिक आंदोलन। जो 600 BC है ना, तो 600 BC में जब महाजनपद बन रहे थे, उसी टाइम पर हम दो धर्मों के बारे में विशेषतः बात करेंगे। पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसी टाइम पर, यानी 600 BC के आसपास ही डेवलप होते हुए हमको दिखाई देते हैं इस इतिहास में। तो उसके बारे में, धार्मिक आंदोलन में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम मगध के उत्कर्ष के बारे में बात करेंगे। मगध का उत्कर्ष, देखिए महाजनपद जो रहता है, बहुत सारे महाजनपद रहते हैं, उस महाजनपदों के समूह में से एक जनपद, महाजनपद जो है उसका नाम था मगध। और वो मगध बाकियों से बहुत ही अधिक तेज गति से विस्तार करता है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखकर हम एक लेंगे मगध का उत्कर्ष, यानी महाजनपदों के समूह में से मगध का जब उत्कर्ष होता है तो उसी के आसपास, ठीक है। तो उसका टाइम पीरियड आता है 544 के आसपास। उसके बाद क्या होगा, मगध के उत्कर्ष के बाद हम देखेंगे मौर्य काल। देखिए मौर्य काल क्या होता है, मगध के उत्कर्ष के बाद बहुत सारे वंश आते हैं मगध में, ठीक है। हरियक वंश पढ़ेंगे हम, शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, ठीक है, नंद वंश पढ़ेंगे, उसके बाद मौर्य वंश आता है। तो मौर्य वंश जो है इतिहास में, जो प्राचीन भारत के इतिहास में, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए हम मौर्य काल को एक विशेष चैप्टर के रूप में हम यहाँ पर इंगित किए हैं। तो उसका जो टाइम पीरियड रहने वाला रहता है, उसका जो है टाइम पीरियड है, वह 342 से लेके 185 BC तक हमें देखने को मिलती है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे मौर्योत्तर काल, कि मौर्य काल के बाद क्या होता है, ठीक है ना। उत्तर काल में हम जैसे कि बता चुके हैं, एक है विदेशियों का आक्रमण, ठीक है ना। मौर्य उत्तर काल जब मौर्य काल समाप्त होता है, तो विदेशी, बहुत सारे विदेशी आक्रमण करते हैं। उनमें से कौन कौन से, पहला है हिंद यूनानी। आपने पढ़ा होगा हिंद यूनानी के बारे में, अगर नहीं पढ़े तो इसमें हम देखेंगे कैसे कैसे कौन से रूट से आते हैं, कैसे आगे आगे बढ़ता है। तो ठीक है, तो हिंद यूनानी आक्रमण करते हैं, शक आते हैं, पल्लव आते हैं, कुषाण आते हैं। तो ये सभी जो क्या है, विदेशी आक्रमणकारी रहे हैं, ठीक है, जो भारत में आक्रमण करके यहाँ पर एक थोड़ा सा, यहाँ पर एक साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो विदेशियों का आक्रमण ये रहने वाला है, तो बारी बारी हम सबको देखेंगे। उसके बाद क्या होगा, भारतीय वंश। तो भारतीय वंश में कौन कौन से वंश मौर्योत्तर काल में आते हैं, सबसे पहला है सुंग वंश, दूसरे बाद है कन्नौ वंश, तीसरा में आता है सातवाहन वंश, चौथा में आता है चेदी वंश। तो ये चार वंश हमें देखने को मिलते हैं मौर्योत्तर काल में, यानी मौर्य काल के बाद वाले समय में, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है गुप्त काल। गुप्त काल के में, मतलब गुप्त काल भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य, मतलब गुप्त जो होते हैं, तो गुप्त काल में बहुत सारे शासक आते हैं बारी बारी से। तो उन सभी शासकों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्राचीन भारत के इतिहास में। तो गुप्त काल एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य में फैला हुआ था, ठीक है। गुप्त साम्राज्य कहने का मतलब है गुप्त साम्राज्य बहुत ही बड़े इलाके में फैला हुआ था। तो उससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और गुप्त काल में जब, मतलब गुप्त काल कहा जाता है कि प्राचीन भारत में कला का जो उत्कर्ष होता है वो गुप्त काल में ही होता है। तो कला के क्षेत्र में, ठीक है, आर्ट के क्षेत्र में गुप्त काल बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब अपना स्थान रखता है प्राचीन भारत में। तो उसी कारण हम गुप्त काल को आगे देखेंगे, ठीक। गुप्त काल के बाद क्या होता है, गुप्त काल के बाद हमें देखने को मिलता है छोटे छोटे साम्राज्यों का दौर, है ना, छोटे छोटे साम्राज्यों का दौर। उसमें से कौन कौन से, सबसे पहला है, मतलब पहला क्या है, उसमें से एक विशेष जो है उसको हम देखेंगे, पुष्यभूति वंश के बारे में, जिसमें हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हर्षवर्धन प्राचीन भारत में एक रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी जैसा, तो उसको भी हम देखेंगे, हर्षवर्धन काल जैसे बोल सकते हैं, हर्षवर्धन काल। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम दक्षिण भारत के इतिहास में देखेंगे, ठीक है। ये तो सभी
कृष्णा नदी के ऊपर की तरफ साइड जितना भी है उससे रिलेटेड साम्राज्यों के बारे में हुआ, लेकिन उससे नीचे क्या, उससे नीचे भी तो कुछ रहा होगा साम्राज्य, तो उसके बारे में हम दक्षिण भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। तो ये एक सेपरेट जो है चैप्टर के रूप में हम रखे हैं ताकि हम एक कवर कर सके दक्षिण भारत को भी। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, मेनली इसमें दो युगों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है संगम युग। संगम युग का टाइम पीरियड रहा है हमारा 200 से लेकर 300 एडी तक, 200 से लेकर 300 एडी। तो ये जो संगम युग है आप देख सकते हैं कि ये जो है गुप्त काल के आसपास का दौर है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है अनेक साम्राज्यों का दौर, यानी जब मतलब इसके ये भी एक चैप्टर है मतलब दो भाग में दक्षिण भारत के, कि बहुत सारे वंश हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं 1500 से लेकर 1000 AD में, जिसमें हम राष्ट्रकूट वंश देखेंगे, ठीक है। उसके बाद चालुक्य वंश देखेंगे, पांड्य वंश देखेंगे, ये सभी चेर है ना, चोल, ये सब हम अनेक साम्राज्यों के दौर में हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या है, उसके बाद हम देखेंगे, हाँ, तो जैसे कि हम बता चुके हैं संगम युग में हम देखेंगे चोल, पांड्य, चेर, ये जो है ये तीन मेनली रहा है संगम युग में साम्राज्य दक्षिण भारत में, है ना। उसके बाद जो अनेक साम्राज्य का दौर में रहा, कौन कौन पल्लव है, वातापी का चालुक्य वंश, जैसे चालुक्य वंश बताएं, राष्ट्रकूट है, कल्याणी के चालुक्य है, चोल है, ये सब हमें अनेक साम्राज्यों के दौर में यानी 1500 से लेकर 1000 AD के बीच हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत, है ना। मध्यकालीन भारत में क्या, तो मध्यकालीन भारत में हम सबसे पहले इसको एक भाग में पूर्व मध्यकाल में भाग डिवाइड करेंगे और दूसरा को हम उत्तर मध्यकाल में डिवाइड करेंगे। अब देखिए पूर्व मध्यकाल में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अरबों का आक्रमण। तो उससे पहले थोड़ा सा एक चीज जान लीजिए कि जो प्राचीन भारत से हम मध्यकालीन भारत में जंप करते हैं वो तो कैसे करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए जितना भी हम देखेंगे तो ये साम्राज्य, बड़े बड़े साम्राज्य देखने को मिलते हैं, राजा है, ठीक है ना, तो राजा है उसका साम्राज्य है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे साम्राज्य विखंडित होता है तो छोटे छोटे सामंत देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो जो सामंत जब अपने अधिकार लेते हैं छोटे छोटे इलाके पर, तो उसी से रिलेटेड जब सामंतवादी व्यवस्था आने लगती है तो वहीं पर हम देखते हैं मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है ना। तो जो सामंतवादी व्यवस्था है उसी की शुरुआत से ही मध्यकालीन भारत हमें देखने को मिलती है। तो जैसे कि हम बता चुके हैं पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। अब पूर्व मध्यकाल में जो है अरबों का आक्रमण हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे अरब आक्रमण करते हैं, तुर्क आक्रमण होता है, अफगान आक्रमण होता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद होता है राजपूतों का इतिहास। राजपूतों के इतिहास में हम पढ़ेंगे कि कैसे गुर्जर प्रतिहाल है, उसमें चंदेल है, उस जितना भी साम्राज्य आते हैं उन सभी के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो उसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 700 से लेकर 1200 AD तक रहा है, 700 से लेकर 1200 AD तक। उसके बाद हमें, अच्छा ये तो दो हो गया, उत्तर मध्यकाल में हम सब देखेंगे, उत्तर मध्यकाल में हम सल्तनत काल के बारे में, ठीक है। सल्तनत काल बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो इसमें आर्ट एंड कल्चर से भी सल्तनत काल से आते हैं, उसके बाद जितना भी कौन कौन से राजा महाराजा ने क्या बनवाया, क्या हुआ, ठीक है, कौन कौन से बाद कितने टाइम पीरियड के बाद कौन कौन से मेन घटना घटी, इन सभी के बारे में संतुलन काल में देखने को मिलती है। और इसका जो टाइम पीरियड रहा है उसका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1526, यानी जो पानीपत का युद्ध होता है उस तक का जो समय है वह उत्तर मध्यकाल है। उसके बाद हम देखने को मिलता है, उसके बाद हम देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य है ना, विजयनगर साम्राज्य भी जब संतुलित काल के टाइम पर ही, मतलब लगभग लगभग जब संतुलित काल आखिरी दौर पे था उसी समय विजयनगर साम्राज्य हमें देखने को मिलता है। आखिरी नहीं कह सकते, मध्य में कह सकते हैं। तो 1336 से लेकर 1650 AD तक विजयनगर साम्राज्य देखने को हमें मिलता है, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर है, ये कृष्णा नदी के नीचे तरफ ही है। उसके बाद हम बहमनी साम्राज्य देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य आता है, उसके बाद बहमनी साम्राज्य, इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं इतना है। उसके बाद हम भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में बात करेंगे। देखिए भक्ति आंदोलन क्या होता है, यहाँ पर देखिए प्राचीन भारत में भी हम धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आता है वो आता है हमारा बौद्ध और जैन।
यहाँ पर जो आता है वो आता है हमारा भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। जैसे आपने बहुत सारे भक्ति आंदोलन के जो आचार्य रहे हैं उनका नाम सुना होगा, जिसने थ्योरी भी दिया था, बहुत सारे द्वैतवाद इस तरह का बहुत सारे थ्योरी था, तो उन सभी के बारे में देखेंगे। उसके बाद सूफी आंदोलन, ठीक है ना, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड रहा है उत्तर मध्य काल, ये मेनली मुस्लिम शासकों का रहा है, ठीक है ना। तो मुस्लिम शासकों के दौर में जब सूफी आते हैं तो अपना जो धर्म का प्रचार करते हैं, तो वही सूफी आंदोलन हमें देखने को मिलती है। तो उसके बाद आता है मुगल वंश, ठीक है ना। मुगल वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिर से एक नया चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मुगल वंश, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुगल वंश और सल्तनत काल और विजयनगर साम्राज्य, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इनके बारे में हम देखेंगे। तो मुगल काल को भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा? सबसे पहला है, रुकिए हम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहला है पूर्व मुगल काल और उसके बाद है उत्तर मुगल काल। पूर्व मुगल काल में हम देखेंगे कि कैसे 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 मतलब जो क्या नाम था, हम थोड़ा सा भूल रहे हैं। पूर्व मुगल काल में अकबर के बारे में पढ़ेंगे हम, उसके बाद बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, शेरशाह के बारे में, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद उत्तर मुगल काल में देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा जो साम्राज्य वो बिखरने लगता है, कमजोर शासक आने लगते हैं, है ना। तो उन सभी के बारे में, तो ये दो चैप्टर रहने वाले हैं, तो इनका हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब आने वाला होगा तब। तो 1526 से लेकर 1707 AD तक ये रहेगा, और ये रहेगा उत्तर मुगल काल 1707 से लेकर 1707 से लेकर 1857, यानी जब 1857 की क्रांति होती है तब जाकर मुगल वंश पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो ये रहा हमारा पूरा मध्यकाल। उसके बाद आता है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे यूरोपियों का आगमन, यानी कैसे कैसे जो यूरोप में पुनर्जागरण होता है, पुनर्जागरण के बाद जो वहाँ के राजा है वे लोगों को प्रोत्साहित करते कि वो अपने यूरोप से थोड़ा सा बाहर जाए और बाहर में जितना भी व्यापारिक रास्ते हैं उनको खोजे समुद्री रास्तों के तौर पर। तो हम देखेंगे कि पुर्तगाली सबसे पहले खोजते हैं भारत को, ठीक है, पहुंचते हैं। और इसी तरह अमेरिका का भी खोज होता है, वास्को डी गामा के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सभी के बारे में, ठीक है, तो यूरोपीय कंपनी आते हैं भारत में वो ध्यान में रखिए। तो यूरोपीय कंपनी आने के बाद हम देखेंगे साम्राज्य स्थापना। साम्राज्य स्थापना का मतलब है कि कंपनियां आती हैं, व्यापार करती हैं कुछ समय तक, और धीरे धीरे अपने पैर जमाना शुरू कर देती है इंडिया में। तो वो कैसे कैसे होता है उनका, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे वो करते हैं, वो हम देखेंगे साम्राज्य स्थापना के इस चैप्टर में। उसके बाद आता है आर्थिक शोषण का दौर। आर्थिक शोषण के दौर का मतलब है कि जब साम्राज्य स्थापित कर लेता है जो यूरोपीय कंपनियां सब हैं, ये मेनली तो ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य स्थापित करती है, तो आर्थिक शोषण का दौर होता है। आर्थिक शोषण के दौर का मतलब है कि हमारा जो धन है, इंडिया का जो धन है, वह बिना कोई लाभ दिए इंडिया वाले लोगों को वो डायरेक्ट शिफ्ट होने लगता है यूरोप की तरफ, ये मतलब ब्रिटेन की तरफ, है ना। तो हम विस्थापन का जो सिद्धांत है वो भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे भारत का धन यूरोप पहुंच जाता है विदाउट एनी प्रॉफिट ऑफ द इंडियन, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण जैसे होता है उसी तरह सामाजिक शोषण भी किया जाता है, उनके बारे में हम देखेंगे। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है हमारा 1857 की क्रांति, है ना। 1857 की क्रांति एक नया मोड़ रहने वाला है, कैसे कैसे भारत के लोग अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए जद्दोजहद करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहला क्रांति होने वाला है 1857 की क्रांति, ठीक है ना, आजादी का संघर्ष सबसे पहला। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है स्वतंत्रता संग्राम, यानी 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 कलर चेंज कर लेते हैं, स्वतंत्रता संग्राम यानी कैसे कैसे, अच्छा ये तो हो थोड़ा सा, हाँ स्वतंत्रता संग्राम यानी 1957 की क्रांति, ठीक है। तो गांधी युग आता है उसमें, इसमें भी थोड़ा सा बीच बीच में गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कैसे कैसे और भी स्वतंत्रता सेनानी भारत को आजाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
उसके बाद आता है स्वतंत्रता के बाद का जो दौर आता है, इसमें हम भारत के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी जाने लगती है तो दो मतलब बड़े 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 इलाके देखने को मिलते हैं। पहला है अभी जो रियासत थे वे, और दूसरे थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो पूरी तरह भारत को मिल रहे थे, उसके बाद जो रियासतें थी उनको कहा गया कि या तो आप भारत में मिले या तो आप पाकिस्तान में मिले, क्योंकि उस समय तक पाकिस्तान का भी एक बंटवारा होने का निर्णय हो चुका था। तो उसका एकीकरण कैसे होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे कैसे भारत को मतलब भारत के विभिन्न इलाकों का आपस में मिलाते हैं, तो वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी रहने वाला है। तो उसके बारे में हम भारत के एकीकरण के चैप्टर में देखेंगे।